Hey guys, what's up everybody? It's me Sayan and welcome back to my new video. Guys, इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ. जिस टिप्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों का अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा. तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस अपने अपीयरेंस को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला जो टिप्स है वो है अपने जो क्लॉथ्स पहनते हैं उसको थोड़ा इंप्रूव करना, थोड़ा अपग्रेड करना. क्योंकि गाइस सबसे पहले आप लोगों की तरफ कोई देखता है तो गाइस आप लोग कपड़े, आप लोग कैसा ड्रेसिंग करते हो उसके ऊपर सबको नजर जाता है. तो दैट्स व्हाई आप लोग जो भी ड्रेस पहनते हो उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है. थोड़ा सा इंप्रूव करते ही आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का फैशन जो है, आप लोगों का जो लुक से ओवरऑल बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है. गाइस आप लोग कोई भी ड्रेस पहनते हो कभी भी तो उसको थोड़ा सा टेलर करके फिर पहना करो. मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है कि बंदे कपड़े पहनते जो मार्केट से परचेस करते, कोई भी ऑनलाइन स्टोर हो या फिर ऑफलाइन से हो, परचेस करने के बाद उसको ही पहन लेते जो मतलब ऐसा लगता है कि पापा की शर्ट पहन लिया है. मतलब बहुत अजीब लगता है फिर भी पहनता है. आई डोंट नो वाई, मतलब कैसे ये लोग पहन लेता है. तो इस छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है. अपने जो क्लॉथ्स पहन रहे हो, जो ट्राउज़र पहन रहे हो, जो शर्ट पहन रहे हो उसको थोड़ा सा ऑल्टर करवाओ, टेलर के पास ले जाओ, थोड़ा सा उसको साइड से सिलाई कर लो, जो ट्राउजर पहन तो उसको भी थोड़ा सा सिम करवा लो, तो देखना कि वो क्लॉथ जो है आपके ऊपर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगेगा. तो कैसे आप लोग नॉर्मल नोटिस कर सकते हो, मैं जो ये शर्ट पहना हूँ ये थोड़ा सा मैंने अपने फिटिंग्स के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से इसको ऑल्टर करवाया है, तो ये मुझ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है. बट ये मैं बहुत ज़्यादा बैगी सब मतलब ढीला ढाला सा पहन लेता तो उतना अच्छा मेरे पे ये नहीं लगता. तो यही शर्ट मैंने जब परचेस किया था तो ये बहुत ही बड़ा साइज़ का था, क्योंकि मेरे को जो है एक्सेल साइज़ का शर्ट लगता है. एंड एक्सेल साइज़ का शर्ट विद में बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है, जो मेरे बॉडी टाइप के लिए नहीं है. बट हाइट के हिसाब से मुझे एक्सेल ही लेना पड़ता है, अदरवाइज मैं एम या फिर एल लेता हूँ तो हाइट में शॉर्ट हो जाता है. तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेल को लेके अल्टर करवा लेता हूँ. तो आप लोग देख सकते हो कि ये शर्ट जो है हाइट पे भी एकदम परफेक्ट है एंड बॉडी पे भी बहुत परफेक्ट लग रहा है. तो आप लोग भी ऐसे कोई भी कपड़े परचेस करते हो तो उसको थोड़ा सा अल्टर करवा लो एंड देखना कि आपके बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे से वो फिटिंग्स होगा एंड आपके ऊपर वो बहुत ही अच्छा लगेगा. बस इस फैशन के गेम में आप लोगों को चैंपियन बनना है तो कैसे आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा. जो है आप लोग कोई भी कपड़ा पहनते हो उस पर जो कलर की आप लोग पहनते हो तो उस पर थोड़ा सा आप लोगों का सेंस जो है बढ़ाना पड़ेगा. आप कौन सी जगह पे जा रहे हो उसके अनुसार आप लोगों को कुछ कुछ कलर जो है चॉइस करना है. आप हर एक जगह पे हर एक कलर नहीं पहन सकते हो. आप नॉर्मल, आप लोगों को कलर की उतना समझ नहीं है तो कैसे आप नॉर्मली ब्लैक, व्हाइट, डेनिम ये सब कलर चॉइस कर सकते हो, जो आप लोगों पे ऑलवेज अच्छा लगेगा. आपका स्किन कलर जैसा भी हो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा. आप नॉर्मल व्हाइट शर्ट पहन सकते हो, व्हाइट टी शर्ट पहन सकते हो, डेनिम पहन सकते हो, जो आप लोगों के लुक्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा. तो आप लोगों को इस कलर के ऊपर और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए आप लोगों को दूसरे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जो दूसरे फैशन इन्फ्लुएंसर होता है वो लोग क्या पहन रहे हैं, वो कौन सी कलर की पहन रहे हैं. तो ये सब चीज़ आप लोगों को नोटिस करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट टिप्स है हेयर स्टाइल. आप लोगों की ओवरऑल लुक्स डिपेंड करते हैं आपके हेयर स्टाइल के ऊपर. आप लोग हेयर स्टाइल को कैसे मेंटेन करते हो, कैसे हेयर स्टाइल रखते हो अपने फेस के ऊपर, उसके ऊपर आपका पूरा फेस शेप एंड पूरा फेस डिपेंड करते कि कैसा दिखेगा आपका फेस. तो एक परफेक्ट सा हेयर स्टाइल आप लोगों को चॉइस करना है अपने फेस शेप के हिसाब से. तो मैंने पहले एक ऐसा वीडियो डाल कर रखा है कि आप लोगों के फेस शेप के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल आप लोगों को चॉइस करना चाहिए. तो वो वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो. आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा हेयर स्टाइल आप रखें तो कैसे आपका एज 15 से 25 या फिर 30 तक है तो आप लोग नॉर्मल साइड फेड करा सकते हो, जो 90% बंदों के ऊपर अच्छा लगता है. तो आप लोग नॉर्मल साइड फेड एंड ऊपर नॉर्मल हेयर रख सकते हो जो अच्छा लगेगा. तो हेयर स्टाइल के ऊपर आपका लुक्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. तो गाइस आप लोग एक अच्छे से हेयर स्टाइल नहीं करते हो तो गाइस प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि एक अच्छा सा हेयर स्टाइल चॉइस करो एंड अच्छे से हेयर को सेट रखो, मेंटेन रखो, जिससे आप लोगों का पूरा जो लुक्स है वो और भी ज़्यादा अपग्रेड इम्प्रूव होगा. तो गाइस नेक्स्ट टिप से ए प्रॉपर स्किन केयर रूटीन. गाइस आप लोग एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए. गाइस आप लोगों का स्किन का कलर जैसा भी हो, चाहे आप डार्क स्किन टोन में आते हो, चाहे आप नॉर्मल मीडियम में आते हो या फिर आप फेयर स्किन टोन में आते हो, आप अपने स्किन को अच्छे से क्लियर नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे तो गाइस आपका स्किन घंटा का भी अच्छा नहीं होने वाला है. गाइस डार्क स्किन टोन में भी आप अच्छे से एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से चमक आएगा स्किन में, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगा, ग्लो देगा स्किन. दिन में 2 टाइम्स आप लोगों को बिल्कुल फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना चाहिए एंड फेस पे मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए. तो गाइस आप लोग देखने कि आप लोगों का स्किन जैसा भी है उस पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो होगा. मैंने बहुत सारे बंदों को नोटिस किया कि गाइस आप लोग अपने बियर्ड को अच्छे से शेप नहीं देते, मतलब पैची बियर्ड हो रखा होता है, इधर 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 मूंछ पूछ रहता है, मतलब अजीब सा रखते हो, फिर उसको क्लीन शेप भी नहीं करते हो, मतलब आपका ठीक से बियर्ड भी नहीं आता है, फिर बियर्ड रखते हो जो बहुत गंदा दिखता है आपके फेस के ऊपर. जैसे कि लाइक मेरे फेस पे बियर्ड नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा पैची आता है. तो मैं इसको क्या करता हूँ,
एकदम क्लीन शेप रखता हूँ जो मेरे फेस के हिसाब से अच्छा लगता है, क्लीन लगता है। मतलब मेरा फेस देखेंगे तो फेस एकदम क्लीन लगेगा आपको। तो अब मैं ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा मूछ रखता एंड इधर थोड़ा थोड़ा पैची बियर्ड रखता तो गैस अच्छा नहीं लगता, मतलब इंप्रेशन ही डाउन हो जाता। तो गैस मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों का बियर्ड नहीं आता है तो गैस आप क्लीन शेप रखो, बट अपने फेस को क्लियर रखो, क्लीन रखो एंड एक अच्छे से स्किन केयर रूटीन मेंटेन करो, फॉलो करो। तो गाइस ये गया आपका आउटर लुक, मतलब आप लोगों को कैसे क्लॉथ्स पहनना है, कैसे जीन्स पहनना है, कैसे आप लोगों को स्किन को केयर करना है एंड कैसे अपने हेयर को स्टाइल करना है, ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो गाइस आपका आउटर लुक्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड आप लोग कहीं भी दूसरों के सामने जाओगे तो गाइस आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे अच्छा खूबसूरत बंदा दिखलाओगे। सिर्फ आउटर लुक को चेंज करने से आप लोगों का अपीयरेंस चेंज नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा। गाइस आप लोगों को अपना पर्सनैलिटी को भी थोड़ा इंप्रूव करना है। आप कैसे दूसरों के साथ बात करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ बात करते टाइम, कोई और आपको जब कुछ बोल रहा है तो आपका बोलने का तरीका कैसा रहता है, सुनने का तरीका कैसा रहता है, तो ये जो बिहेवियर है तो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका दूसरों के सामने आपका इमेज कैसा होगा। गाइस आप बहुत अच्छे से मतलब रहते हो, टिप टॉप एकदम अच्छे से शर्ट वर्ट पहनते हो, हेयर स्टाइल बहुत मस्त है, दिखते भी हो बहुत मस्त, बट अब जब लड़कियों के साथ जाके बात करते हो तो आपके मुँह से बात कम गाली ज़्यादा निकलता है। तो गाइस कोई घंटा अच्छा नहीं होने वाला है, उससे आप कैसा भी ड्रेसअप कर लो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो गाइस आप लोगों का बोलने का तरीका, दूसरों के साथ बिहेवियर एंड अपने पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है। गाइस आप एक चीज़ सोचो कि आप कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ बैठो एंड कोई आप लोगों का ऐसा एक दोस्त है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब कान खराब कर देता है, इतना बक 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 करता है, सबको पकाता है। तो गाइस आप एक चीज़ नोटिस करना कि सब बंदे जो है उसको इग्नोर करते हैं, बंदियाँ तो छोड़ ही दो, बंदे भी उसको इग्नोर करते हैं। तो जैसे ही वो कुछ बोलना स्टार्ट करता है तो लोग बोलते हैं यार ये फिर से स्टार्ट हो गया, मतलब ऐसा बोरिंग बंदा है कि इतना बकबक करता है। एंड और एक चीज़ आप लोग नोटिस करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे, कोई एक बंदा होता है कि जो बहुत कम बात करता है बट उसका जो बात करने का तरीका है वो बहुत मैच्योर टाइप का होता है, मतलब बहुत कम बात करता है बट फिर भी जितना बात करते हैं एकदम मैच्योर टाइप करता है। तो क्या होता है ना, ज़्यादा लोग उस पर थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, मतलब ना नहीं ये जो बात करता है वो उसमें पॉइंट है। तो कैसे ऐसे आप लोगों को ज़्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा जितना भी बोलते हो थोड़ा मैच्योर बनो। सो ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप थोड़ा अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करो, इम्प्रूव करो एंड देखना कि आप लोगों का जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा एंड आप लोगों के जो अपीयरेंस है वो दूसरों के सामने बहुत अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। सो गाइस ये सारी चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना है, देन फॉलो करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो इम्प्रूवमेंट है आप लोगों को खुद को नजर आएगा कि यार बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आप लोग कर सकते हो। तो गाइस मैं खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं बहुत सारे बंदे को देखते हो गाइस उसका तो लुक्स तो अच्छा है बट वो रहता सही ढंग से नहीं, दैट्स व्हाई उसका लुक्स जो एकदम बिगड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइप का एक वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को मैं बताऊँ कि गाइस आप लोग अपने लुक्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो कुछ टिप्स फॉलो करके। तो गाइस आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा एंड हेल्प मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करते रहूँगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।